उन्होंने बाद में फलस्तीन के तालुक से वहां पे जिक्र किया कि फलस्तीन के अंदर बेगुनाह लोगों को जो मारा जा रहा है, हॉस्पिटल में जो बमबारी की जा रही है, इस तरीके का उनका वक्तव्य शुरू था, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो उसके संदर्भ में उन्होंने एक शेर बोल दिया वहां पे, तो उस शेर को मुद्दा बना के कोई भी राजनीतिक आदमी या राजनीतिक दल उसको मुद्दा बना के क्योंकि कोई धर्म गुरु को सूफी संत को गिरफ्त में लेने का काम करता है, ये अति निंदनीय वाली बात है। और आजाद भारत के अंदर कभी ऐसा होता है तो दुख की बात है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है सबको विरोध करने का हक दिया है और वो अपने अपने एतबार से विरोध दर्ज करे। आज माननीय कलेक्टर बुल्ढाना को हमने एक निवेदन दिया है जो माननीय मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात के अंदर एक वक्तव्य एक प्रोग्राम के लिए उनको बुलाया गया था। उन्होंने वहां पर फलस्तीन के अंदर जिस तरीके से बेगुनाह लोगों को, बच्चों को, हॉस्पिटल को और उन पर बमबारी की जा रही है तो उसकी निषेध करने के लिए उन्होंने एक शेर बोला है। उस शेर को कुछ राजनीतिक खासदार बीजेपी के उसको टारगेट करके उन सूफीज्म के मौलाना मुफ्ती साहब को मानने वालों को हिरासत में बेगुनाह लिया गया है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा और निषेध करते हैं। आज यहाँ पे सुन्नी यूथ फोर्स के तमाम कार्यकर्ता जिला के अलग अलग जगह से पहुंचकर उन्होंने माननीय कलेक्टर साहब को यही बोला है कि हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री तक और गुजरात के मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है कहीं पर भी पूरे विश्व में किसी के साथ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और न्याय की मांग करना चाहिए। कभी ऐसा अल्पसंख्यक समाज के साथ में आए दिन कुछ लोग उनको देश से भगाने की, मारने की, काटने की, पीटने की बात करते हैं, पर वो लोग खुलेआम पूरे भारत में घूम रहे हैं, उन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पर एक आदमी ने फलस्तीन के ताल्लुक से शेर बोला है, वहाँ पर जिस तरीके से दहशतगर्दी चल रही है, हमला हो रहा है, उसके विरोध में कहा है, उनको टारगेट करके जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है।